हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। महिलाओं को किस पोजीशन में सोना चाहिए प्रेगनेंसी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीठ के बल, पेट के बल, बाएं दाएं, जिस भी करवट सोती हैं, उसके क्या नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं प्रेगनेंसी में, कई हद तक आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी हो सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ ऐश्वर्या। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो महिलाएं पीठ के बल सोती हैं या फिर जो महिलाएं पेट के बल सोती हैं और उनका पाँचवें महीने से शुरू हो चुका है प्रेगनेंसी, आज के आज ही बंद कर दें। पेट के बल सोना तो बिल्कुल बंद कर दें। एक सेकेंड, एक मिनट, दो मिनट, कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। पेट के बल आपको कतई नहीं सोना है। पीठ के बल अगर आप सोती हैं, इसमें भी मेरा यही राय होगा, टिप्स होगा कि पीठ के बल भी आपको नहीं सोना है। पीठ के बल जब आप सोती हैं तो कई आपके ऑर्गन्स पे दबाव पड़ने लगता है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। कई बार आपको देखिएगा कि उस वजह से बीपी भी बढ़ सकता है, उस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपकी प्रॉब्लम आ सकता है, सांसें भी चढ़ सकती हैं। तो पीठ के बल भी नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी में। अब ये कि किस साइड सोना चाहिए, दाएं साइड या बाएं साइड। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। रातों को वो मोबाइल या तो देखती हुई पाई जाती हैं या फिर इधर उधर टहलती हुई पाई जाती हैं। ऐसा मेरे साथ भी कुछ महीने चला। फिर मैंने जो है अपनी डॉक्टर से इसके बारे में पूछा, उन्होंने बस इतना बोला कि आप प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, और नेगेटिव जो भी सोच है, मतलब कुछ भी नकारात्मक चीज़ें हैं, या फिर आप किसी की फ़ाइट देखते हो, हॉरर फिल्में देखते हो, सस्पेंस वाले फिल्में देखते हो, जिससे जिसको देख के आप उस वक्त कुछ ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो, आपके पसीने टपकने लगते हैं, तो इस वजह से भी रात को नींद जो है वो कम आती है, या फिर आपके टहलते हुए कमरे में गुजरता है आपका रात। तो नेगेटिव थॉट्स को उस वक्त आपको दूर करना है। सोने से पहले, आग पर जाने से पहले अपने हाथों को, पैरों को गुनगुने पानी से धो लो। बर्फ़ के पानी या ठंडे पानी से नहीं धोना है, बस गुनगुने पानी से धो लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से आपको धो लेना है, या फिर तो इस ऐसे आप धो लो अपने हाथों और पैरों को। उसके बाद अगर आपको जैसे कि ठंड का समय है तो थोड़ा सा आप ऑयलिंग भी कर सकते हो अपने हाथों और पैरों में। तो इस तरीके से आप बेड पर सोने से पहले एक बार थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करके, अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके एक से दो मिनट तक आप मेडिटेशन कर लो। उसके बाद मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टीवी है, मोबाइल, उन सबको अपने से दूर रखो, आँखों को बंद करो। और जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी की लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, या फिर जो मूवी आपने देखा, जो सीरियल देखा, या फिर कुछ नकारात्मक सोच सोच रहे हैं फैमिली के बारे में, वो सब कुछ अभी छोड़ दें। नींद बहुत अच्छी आएगी। मैंने ये टिप्स फॉलो किया है और मुझे ये काफ़ी हद तक, ये जो टिप्स था, बहुत मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। फिर रही बात कि किस करवट सोना चाहिए, तो आपको बाएं करवट सोना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए प्रेगनेंसी में। इससे ये कि आप जो भी खाती हैं वो जल्दी पचेगा, आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो अच्छा होगा, बच्चे तक ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंच पाएगा। ये सब फ़ायदे हैं बाएं करवट सोने के। अब बाएं करवट सोते सोते आपके बाएं तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए दाएं करवट आएँ, फिर बाएं करवट सो जाएँ। ये एक अच्छा स्लीपिंग पोजीशन होता है, जिससे कि आपको और आपके बच्चे को पोषक तत्व पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है ये स्लीपिंग पोजीशन। तो बाएं करवट सोएं, चौथे महीने से ही शुरू कर दे बाएं करवट सोना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।